सचिन तेंदुलकर भी किया करते थे इस खिलाड़ी की बैटिंग स्टाइल को काया भी आज जी रहा है गुमनाम जिंदगी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। आज क्रिकेट की दुनिया में बैटिंग में शायद ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो सचिन ने नहीं बनाया होगा। आज भी कई युवा क्रिकेटर सचिन की तरह बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, उनके हर शॉट के टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि क्या सचिन भी कभी किसी खिलाड़ी के शॉट की कॉपी किया करते थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी ही नहीं है जिसे सचिन जैसा महान क्रिकेटर कॉपी करें। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो इंटरनेशनल मैच तो नहीं खेल सका, लेकिन सचिन भी उनकी बैटिंग स्टाइल को कॉपी किया करते थे, जिसको कभी मुंबई का विव रिचर्डसन कहा जाता था। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर सचिन को इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखने को कहते थे। सचिन तेंदुलकर इस खिलाड़ी को सर कहते थे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ अनोखी प्रतिभा के मालिक थे अनिल गुरव, लेकिन इत्तेफाक देखे वह कभी भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल सके। आइए आपको बताते हैं इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी की कहानी जो गुमनामी के अंधेरे में खो गया। सचिन तेंदुलकर को जब सर आचरेकर क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे, तब एक लड़का सचिन से भी अच्छा क्रिकेट खेलता था, जिसे रमाकांत आचरेकर सचिन से बेहतर खिलाड़ी मानते थे और उसे विव रिचर्ड्स कहकर बुलाते थे। लेकिन इस लड़के के भाई ने उसकी राह में ऐसा रोड़ा अटकाया कि उसका करियर वहीं थम गया। इत्तेफाक की बात यह है कि इस लड़के के भाई का नाम भी अजित है और सचिन के भाई का नाम भी अजित है। सचिन के साथ खेलने वाले इस लड़के का नाम है अनिल गुरव। अनिल अब ज्यादातर शराब के नशे में रहते हैं और मुंबई के नालासोपारा की एक चाल में गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। भीड़ में गुम हो चुका अनिल गुरव एक जमाने में सचिन तेंदुलकर के गुरुवार रमाकांत आचरेकर की पहली पसंद हुआ करते थे। प्रतिभाशाली बल्लेबाज गुमनामी के अंधेरे में खो गया। अनिल मुंबई अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उनको उस दौर में मुंबई का विव रिचर्डसन बोला जाता था। सबको यह उम्मीद थी वे सबसे पहले भारत के लिए खेलेंगे। आज अनिल को देखकर शायद आपको यकीन ना हो, मगर अनिल की बैटिंग देखने के लिए लोग अपना काम छोड़कर मैदान में पहुंचते थे। आज वही अनिल गुरव गुमनामी के अंधेरे में है। जब सचिन ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, वो अनिल गुरव की तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश करते थे। खुद गुरुवार आचरेकर ने सचिन को अनिल गुरव का खेल देखने और उनसे सीखने की सलाह दी थी। गुरव ने ही सचिन को कट और हुक शॉट खेलना सिखाया था। इंटरनेशनल मैचों में शतकों का शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर भी अनिल गुरव के कायल थे। सचिन ने अंडर 14 के अपने पहले मैच के लिए अनिल के बैट का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, सचिन ने अपनी जिंदगी का पहला शतक भी अनिल के ही बैट से लगाया था। अनिल गुरव बताते हैं, सचिन शर्मा रहा था, मैंने कहा लेके जा बैट, उस बैट से उसने जिंदगी की पहली सेंचुरी लगाई। सचिन के गुरुवार रमाकांत आचरेकर को पूरा विश्वास था कि अनिल गुरव एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा। यही वजह थी कि आचरेकर खुद अनिल को अपनी स्कूटर पर बैठाकर मैदान में लेकर जाते और नेट पर अभ्यास कराते थे। अनिल ने कहा, वे मुझे आजाद मैदान से लेकर बंगाल ग्राउंड तक ले जाते थे स्कूटर पर बैठाकर। वहां जाकर नेट प्रैक्टिस सर ने मेरे लिए बहुत किया। अनिल का करियर उस दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनिल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके क्रिकेट करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अनिल के मुताबिक उसका छोटा भाई अजित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो गया था। इसकी वजह से अनिल की जान पर खतरा मंडराने लगा, पुलिस भी उन्हें परेशान करने लगी। ऐसे में उसने मैदान में जाना ही छोड़ दिया। सचिन से अंतिम मुलाकात पर अनिल कहते हैं कि 90 के दशक में मेरी सचिन से अंतिम मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने मरीन लाइन पर सचिन को गार्ड के साथ देखा था। उन्होंने बताया कि सचिन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था और बुलाकर कुछ देर बात करने के बाद उनको अपने घर आने को कहा था। कोच रमाकांत आचरेकर के बारे में अनिल ने बताया कि वे अक्सर उनका सामना करने से कतराते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनका आचरेकर के साथ आमना सामना हुआ जब अनिल नशे में थे। आचरेकर ने उन्हें इशारा कर बुलाया और कहा, मैंने तुमको बल्लेबाजी करना सिखाया था, शराब पीना नहीं। लेकिन अनिल की इस गुमनामी के पीछे क्या सिर्फ उनका भाई जिम्मेदार था? क्या उनकी स्थिति के लिए सिर्फ परिस्थितियों को दोषी ठहराया जा सकता है? क्यों आखिर अनिल को कोई सहयोग नहीं मिला? यदि अनिल को उस समय मदद मिल जाती तो आज शायद उनका नाम भी भारतीय क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में होता।